हाय, वेलकम टू माय चैनल कैन फैमिली ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ मार्केट, थोड़ी बाती दिया बाती ये सब खरीदने के लिए। यहाँ पे मैं अकेला जाने वाली थी और यहाँ पे एक आंटी है। आंटी ने बोला कि आप अकेला मत जाओ, मैं तुमको लेके जाऊंगी, तो वही हमको लेके जाएगी आंटी। और आंटी जा रहा हूँ मार्केट, चलिए दिखाएंगे। मैं आई हूँ शॉपिंग मॉल में, दिख रहा है ना? जा रहा हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये मार्केट का नाम जगदम्बा है। जगदम्बा ये आंध्रा का ऐसा सब, यहाँ पे अच्छा अच्छा सब मिलेगा। यहाँ पे कौन सा आप बोलिए आंटी, कौन सा कहाँ जाना है, कौन सा दुकान पे, मुझे तो पता नहीं है। चलिए लोग ऑरेंज जूस पियेंगे, नहीं दिखाया, ऑरेंज जूस पियेंगे। श्रेयांक के लिए चाउमीन ले रहा है, नूडल्स लेके जाएंगे। ये जगदम्बा सिनेमा हॉल है, इतना सुंदर है, जगदम्बा सेंटर है। एक दिन आना पड़ेगा ये हॉल में। जा रहा है घर, साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल। मैंने बेटा के लिए पूरी के साथ खाएगा दिवाली के दिन, वो निरामिस हम लोग पूजा करेंगे और अभी बना के रखेंगे, तो इसके लिए वो पनीर नहीं खाएगा पूरी के साथ। ये हम स्पून के मदद से इसको मैंने थोड़ा इसके अंदर छेद कर रही हूँ, ताकि नमक दे के इसको बॉयल करेंगे, उसका जो फ्लेवर है नमक का वो उसी के अंदर जाए। तो चलिए आपको दिखाएंगे, ये एक अलग स्टाइल का, एक उस दिन मैंने बनाया था अलग, आलू का ही बनाया था, पर आज एक आलू का ही बनाएंगे अलग। आप ये वाला जो है वो वाला हमने जो बनाया था वो सब लोग बनाता है, और ये जो हम बनाए हैं ये हम कभी कभार बनाते हैं। आप चलिए दिखाएंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बॉयल होने के लिए देंगे और इसके अंदर हम नमक दिए हैं, ताकि इसका जो फ्लेवर है इसके अंदर चले जाए, क्योंकि पूरा ये काटा नहीं है, पूरा गोटा गोटा आलू है। वही आप ये रेसिपी को बनाने के लिए लगेगा अदरक, चॉप किया हुआ धनिया पत्ता और टमाटो, एक ठो मिर्च जाएगा चॉप किया हुआ, इसके साथ जाएगा किशमिश, काजू, थोड़ा सा चारमगज, हल्दी पाउडर, नमक और मिर्च पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें कसूरी मेथी जाएगा, कुछ खड़ी मिर्च जाएगा, कुछ खड़ी मसाला जाएगा, जो इसमें मिर्च है, दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, तेजपत्ता है और थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स है, और इसमें नमक और शुगर जाएगा और थोड़े से गरम मसाला जाएगा। चलिए आपको दिखाएंगे कैसे बनाता है ये। अभी आलू बॉयल हो रहा है, छोटा छोटा जो आलू है पूरा, तो वही आलू बॉयल होने के लिए थोड़ी टाइम लग रहा है, एकदम बॉयल नहीं होगा। उसके बाद हम आलू को ऐसे फ्राई कर लेंगे। अभी कढ़ाई पे तेल दी हूँ और तेल देने के बाद हम खड़े मसाला को दे दिए, उसके बाद हम टमाटर दे देते हैं, चॉप किया हुआ टमाटर दे रहे हैं, और टमाटर फ्राई हो जाए होने के बाद टमाटर गल जाएगा, उसमें नमक दे देंगे, थोड़ा सा टमाटर फ्राई भी हो जाएगा, उसके साथ गल भी जाएगा जल्दी।
हमने जो आपको दिखाया था काजू किशमिश चार मगज, इसका एक मैंने मिक्सर में पेस्ट बना के रखे हैं, तो उसी पेस्ट को दे रहा है, हम उसी पेस्ट को देने के बाद इसको हम 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। इसमें हम 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर दिया, तो इसको हमको पकाना पड़ेगा। और कढ़ाई पे आपको ज़्यादा ज़्यादा आपको कढ़ाई पे ये करना पड़ेगा, इसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि ताकि आपको कढ़ाई के नीचे में ये लग जाता है जल्दी। थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर दिए, इसको फिर हम 10 मिनट पकाएंगे, जब तक ऑयल छोड़ ना जाए। कोई भी आप मसाला बनाते हैं, कोई भी मसाला को आप अगर जब पकाते हैं उसका ऑयल छोड़ने के बाद दीजिएगा, जैसे मटन हो, चिकन हो, या फिर फिश हो, कुछ भी, तो कोई भी सब्जी आप कर रहे हैं, तो इसमें आपका टेस्ट और बढ़ेगा और अच्छा रहेगा, उसका जो मसाला का एक स्मेल वो उतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि कच्चापन नहीं आएगा, वो पक जाता है। आज दिवाली के दिन, काली पूजा के दिन निरामिष है, इसके साथ लूची और ये सब्जी, ये निरामिष है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। पूजा पूजा में भी ये आप बना सकते हैं, भगवान के लिए भी आप अगर आलू का कोई आइटम बना रहा है पूरी के साथ, ये भी बहुत ही अच्छा है। हम घर में पूजा करके खाएंगे। अभी हम बॉईल किया हुआ करने के बाद जो फ्राई किया हुआ आलू है वो दे दिया इसमें, और इसमें नमक दे दिया एज़ पर टेस्ट, कोई ज़्यादा खाता है तो ज़्यादा दीजिएगा, कम खाता है तो कम दीजिएगा। तो इसमें देखिए थोड़ा सा नीचे लग जा रहा है, थोड़ा सा पानी दे दिया मैंने, एकदम कम पानी दे दिया, ये पानी नहीं देता है, इसमें थोड़ा सा कढ़ाई में लग जाता है, तो इसीलिए। तो इसके बाद हम इसको 5 मिनट तक फिर से दोबारा हम ऐसे इसको रखेंगे। इसको हम कश्मीरी मेथी दे दिया, जो मेथी पाउडर नहीं था, पत्ता है वो दे दिया, और इसमें हम धनिया पत्ता दे के इसको हम सर्व करेंगे। अगर ये मेरी चैनल को आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट्स लाइक शेयर कीजिएगा और बोलिएगा। अभी बन के रेडी है कश्मीरी आलू, इसके साथ पूरी और मिठाई। अभी हम देंगे।